गोंडा में मेडिकल छात्र के अपहरण से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक मेडिकल छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया। BAMS की पढ़ाई करने वाले छात्र गौरव हलदार कल शाम से अपने हॉस्टल से लापता है। आज गौरव के परिजनों को अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 70 लाख की फिरौती की मांग की है। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। SCPM नर्सिंग कॉलेज में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। सुरक्षा का जिम्मा नर्सिंग कॉलेज के प्रशासन पर है, लेकिन खास बात यह है कि जब एक बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाए तो हजारों बच्चे की सुरक्षा कैसे करेंगे। गोंडा का जाना माना नर्सिंग कॉलेज SCPM और इतनी बड़ी घटना का हो जाना कहीं न कहीं नर्सिंग कॉलेज के प्रशासन की लापरवाही है। वैसे तो शहर भर में तमगा पीट रहे हैं SCPM नर्सिंग कॉलेज के प्रति। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुलिस को तहरीर दी गई है, उसमें जिला बहराइच दिखाया गया है और SCPM नर्सिंग कॉलेज की सूची में जिला श्रावस्ती है। दो जगह अलग अलग नाम का होना कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। पीड़ित के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मामला सामने आने के बाद किडनैपर ने मांगी 70 लाख की फिरौती। SP गोंडा के मुताबिक 6 टीमें छात्र की तलाश में जुट गई है। वहीं नर्सिंग कॉलेज का CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। छात्र के पिता पेशे से डॉक्टर और बहराइच में प्रैक्टिस करते हैं। घटना गोंडा शहर कोतवाली के एक निजी SCPM नर्सिंग कॉलेज जिसके चेयरमैन डॉक्टर ओ.एन. पांडे है। जानकारी के मुताबिक बहराइच जिले के बयापुर थाना के काशी जोत सत्संग नगर कॉलोनी निवासी निखिल हलदार का 21 वर्षीय बेटा गौरव हलदार SCPM कॉलेज में BAMS प्रथम वर्ष का छात्र है। गौरव SCPM कॉलेज का हॉस्टल में रहता है। बताया जा रहा है कि गौरव अपनी माँ से शाम में फोन पर बात किया था। शाम को उसका फोन नहीं मिला। आज उसके फोन पर एक अनजान कॉल आई। छात्र के पिता के फोन पर एक कॉल आई और अपहरणकर्ताओं ने कहा कि उनका बेटा अब हमारे गिरफ्त में। अपहरणकर्ताओं ने 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। अपहरणकर्ताओं ने 22 जनवरी तक रकम देने को कहा है। सबसे खास बात है कि छात्र के पिता मोबाइल पर अपहरणकर्ताओं ने 3 बार कॉल किया है। पीड़ित परिजनों को कोतवाली नगर पुलिस को अपहरण की तहरीर दी है। पुलिस केस दर्ज करते हुए छात्र की तलाशी में छापेमारी कर रही है। SP के मुताबिक 6 टीमें छात्र की तलाश कर रही है। वहीं नर्सिंग कॉलेज का CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में पड़ताल में जुटी है। गोंडा से ब्यूरो चीफ डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी के साथ।